इस सेशन में हम लोग बात करेंगे IMEI नंबर के बारे में। हम लोग में से कई लोग ये बात जानते हैं कि IMEI नंबर की यदि बात आती है तो मोबाइल फोन का एक यूनिक नंबर होता है IMEI नंबर। ये बात हम में से कई लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, लेकिन छोटा सा मैं यहाँ पे करेक्शन ये करूंगा कि जरूरी नहीं है कि IMEI नंबर केवल मोबाइल फोन में ही होता हो। IMEI नंबर का सबसे पहले मतलब जानते हैं कि वो होता क्या है। हर मोबाइल डिवाइस के लिए एक विशिष्ट संख्यात्मक पहचान करना, यानी कि एक आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका आधार नंबर। कोई भी हमारे इंडिया में एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के आधार नंबर से मैच होता हो। सभी व्यक्तियों का आधार नंबर बाकी दूसरे व्यक्तियों के आधार नंबरों से अलग अलग होगा। ये मैं बात कर रहा हूं केवल उन्हीं व्यक्तियों के बारे में जो इंडिया में, क्योंकि आधार नंबर केवल इंडिया के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट करता है। यानी कि हो सकता है किसी व्यक्ति का नाम सेम हो, उसकी जानकारियां बाकी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम हो, लेकिन एक आधार नंबर जो है वो उन सभी व्यक्तियों में अलग होगा, वो उसकी एक अलग पहचान होगी। तो ऐसी डिवाइसेस जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ सकती है, अगर वो आपका मोबाइल फोन है, वो आपका लैपटॉप है, वो आपका टैबलेट है, वो आपका पीसी है, वह सारी डिवाइसेस जो इनको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, यहां तक कि अगर आपका वो एसी भी है, स्मार्ट एसी भी है जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ रहा है, तो उस डिवाइस का एक यूनिक आईडी होगा पूरे ग्लोबल लेवल पे, नॉट ओनली फॉर एन इंडिया, पूरे ग्लोबल लेवल पर उन सभी की एक यूनिक आइडेंटिटी होगी, एक अलग पहचान होगी जो इंटरनेट से जोड़ी जा रही है। यह संख्या प्रत्येक डिवाइस को एक दूसरे से अलग करने में मदद करती है। यह हर एक फोन को दिया जाने वाला एक यूनिक नंबर होता है जो आमतौर पर मोबाइल की बैटरी के पीछे पाया जाता है। IMEI नंबर का उपयोग क्या है? इसका फायदा यह है कि यदि फोन चोरी हो जाए, गुम जाता है, तो आप अपने ऑपरेटर और पुलिस को अपने मैन्युफैक्चरर मॉडल नंबर, IMEI नंबर, उसका कलर, कुछ विशेष पहचान बताएं जिससे उसकी पहचान हो सके, स्थान और तारीख बताएं जहां से वो आपसे मिस हुआ था, कुछ परिस्थितियां जो उन्हें आपके मोबाइल फोन को खोजने में मदद कर सकती है, ऐसी जानकारी आपको देनी होगी जिनमें से इन जानकारियों में से IMEI नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मोबाइल ऑपरेटर वैध ग्राहक और नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की पहचान करने के लिए IMEI नंबर का उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल ऑपरेटर मोबाइल फोन को दुरुस्त रूप से भी डिसेबल कर सकते हैं यदि फोन चोरी या गुम होने की सूचना दी जाती है। कहने का यह मतलब है कि जब हम हमारे मोबाइल फोन को एक्सेस करते हैं, नेटवर्क में लेकर आते हैं, तो वहां पर जो रिक्वेस्ट जनरेट होती है वो एक मोबाइल एंड के थ्रू IMEI नंबर से दर्शाई जाती है कि किसी फलाना लोकेशन पे इस नंबर के साथ कोई एक व्यक्ति है जो नेटवर्क की डिमांड कर रहा है। तो कंपनी के पास आपके मोबाइल फोन का IMEI नंबर होगा जिससे वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है और सर्विस एक्टिव डीएक्टिव करना, यह सारे कंट्रोल एक ऑपरेटर एंड के पास मौजूद होते हैं। यह मोबाइल फोन अभी पूरी दुनिया में अन्य ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको कभी मोबाइल फोन मिल जाता है तो आप ऑपरेटर IMEI नंबर या सिम कार्ड डाले गए फोन के मालिक को भी पहचान सकते हैं और उसके मालिक को फोन लौटा सकते हैं। कहने का यह मतलब है कि IMEI के माध्यम नंबर के माध्यम से आप मोबाइल नेटवर्क की जानकारी आसानी से ले सकते हैं और उसी के साथ साथ जो उसका जेन्युइन बायर है, जो उसका मालिक है, उसकी जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं कि यह IMEI नंबर का फोन किस
किसने परचेस किया था। तो आसान भाषा में कहा जाए IMEI का पूरा नाम होता है, हालांकि मुझे पहले फुल फॉर्म बताना था। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इंटरनेशनल लेवल पर रहता है, पूरी दुनिया में एक ही नंबर होगा। ये हर फोन को, हर एक फोन को दिए जाने वाला एक यूनिक नंबर है जो आमतौर पर मोबाइल की बैटरी के पीछे पाया जाता है। आप अपने डिवाइस के IMEI का पता लगाने के लिए या तो आप उस जगह पे जा सकते हैं, मोबाइल की बैटरी रिमूव कर सकते हैं। यदि आपका फोन रिमूव ओपन नहीं हो सकता है किसी कारण से, तो आप अपने डायल पैड में एक कोड डायल कर सकते हैं *#06# पर कॉल करके पता कर सकते हैं। मोबाइल चोरी या गुम हो जाने की परिस्थिति में IMEI मोबाइल फोन को खोजने में मदद कर सकता है। एक मानक IMEI संख्या 14 अंकों की स्ट्रिंग होती है, जिसके साथ पूरे स्ट्रिंग की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त 15वीं जांच संख्या होती है। मेंबर्स का पहला सेट टाइप एलोकेशन कोड TAC होता है, पहले दो डिजिट कंट्री कोड तथा बाकी असेंबल कोड होते हैं। ये इसका इंक्रिप्शन मोड। दूसरा ग्रुप निर्माता की पहचान करता है, तीसरा सेट सीरियल नंबर होता है तथा आखिरकार सिंगल्स डिजिट को अतिरिक्त संख्या होती है, आमतौर पर 0। ये इसका इंक्रिप्शन मोड है कि पहला सेट जो है वो TAC है, दूसरा सेट जो है वो असेंबल कोड है जो एक निर्माता की पहचान को बताता है, तीसरा सेट जो है वो उसका एक असेंबल कोड है। तो इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने बात किया था IMEI नंबर के बारे में।